यहाँ जाकर मध्य वक्त बीच जाए और नशे में। अच्छा तू नशे में है, तू अपने घर जाता है तब? अपने घरे जाओ, थोड़ी खटाई पहले खा लिया। क्या नशा उतर जाए तब देखो घुमा रहे हैं कुछ ना कहा। अच्छा अगर त्योहार में नहीं हुए तो नाम दुद्दू धान शहजादी राम ज्यादा बहुत बदतमीज है जाने लो। अगर आप आदेश करें तो मैं शराम कर देखो धुए का गुब्बारा बाग मौत खाते और ये अपना आदमी है, इसको जान से नहीं मारा जाता है। ऐसे पीटो छोटा आदमी है छूटी रहेगा, समझता है? ठीक है हम कबीले पर चलते हैं और घर अगर तुम्हारा आएंगे तो कोई ना कोई प्लान दोनों लोग जरूर बनाएंगे। ठीक है शहजादी जी, हम चलिए हैं जैसे जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। सारे कुमार मारा थे ऐसे रोहित सेहा छोड़ा था कहना बा क्या है ऐसे में जाते जाते खुश रहो खुश रहना कहा करो सुन कह दो उखड़ करो तुझे नहीं मालूम है पागल पागल कहा हो बेटा तुम्हारे चाचा की तबीयत आज 3 दिन से बहुत ज्यादा खराब है और जब से उनकी तबीयत खराब हुई है तब से घर में कुछ कमाई धमाई नहीं हो रहा है बेटा। खैर ठीक है आज तुम्हारे चाचा जी आएंगे मैं उनसे दो बातें जरूर करूंगी। खैर ठीक है आने दो नहीं मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है तुम्हें खांसी बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामीनाथ। क्या बात है अरे है हो रहा था कि बात सुनो तो जरा
ऐसी तैयारी हो चुकी है, ऐसे आप घर में बैठे रहेंगे कैसे काम चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? सुनिए हमारी बात को। तेरा था बेटी भी मेरी करता हूं।
मेरी बात 5000 रुपए लेकर गया था, अभी रुपया वापस नहीं किया और ना तो हमारे खेतों में काम किया। कौन? और मेरी कौन कौन और मेरी गलती बेचारे कर्जा कहां से अदा कर सकते हैं। लेकिन रंगम दादा जरा मेरे पास दुआ करो।
कसम भगवान की रंगन दादा, सब आप गरीबों की आंखों में आंसू देखता हूं, ये जीवन तड़प उठता है, लेकिन रंगन दादा इसकी आप चिंता कदाप ना करें। जानते हो ये दुनिया कितनी बड़ी है, कभी सुख व कभी दुख आता जाता रहता है, लेकिन रंगन दादा जितना हो सके उतना तो काम किया करो। आइए जो खेतों में काम करना होगा मैं सर आपको बता दूंगा, आइए चलते हैं। रंगन दादा और इस दुनिया में कितना है ना। अरे जय हिंद जय हिंद।